बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, ये आपके एनसीईआरटी का ही टॉपिक चलेगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि मंडे टू सैटरडे एनसीईआरटी के जो सिलेबस है वही मैं आपको बताऊंगा। संडे की जो क्लास रहेगी उसमें आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के कंटेंट्स मैं आपको बताऊंगा। सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है कि कोई भी मेजरमेंट के जो आप डिवाइस यूज करते हैं या जो भी आपका मेजरमेंट का मेथड है, उस मेथड की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का या उस वैल्यू को लिखने का एक तरीका होता है सिग्निफिकेंट फिगर। उसमें क्या होता है कि जो भी वैल्यूज लिखी रहती है उसमें पूरे डिजिट्स जो रहते हैं वो सर्टेन रहती है, लास्ट वाली डिजिट अनसर्टेन होती है। ये ठीक वैसा ही होता है जैसे डिजिटल वेइंग मशीन में आप अगर किसी चीज को तोलते हैं तो आप देखेंगे कि वो शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ कांस्टेंट रहता है, लेकिन लास्ट तक एक डिजिट जो रहता है वो कम ज्यादा होते रहता है। तो वो क्या हो गया, एक भी कोई भी वैल्यू लिखी हुई है तो उसमें पूरी डिजिट सर्टेन रहेगी और एक अनसर्टेन रहेगी। तो ये जो सेट होता है नंबर का, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। मान लीजिए मैं 5 किलो 5 kg जो है वो शुगर खरीदने के लिए गया तो उसमें 5 kg कैसे आता है, ऐसा आता रहेगा। तो ये पूरा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये क्या रहेगा, ये 0 आएगा, कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, ऐसा कम ज्यादा होता रहता है। तो ये हो गया सिग्निफिकेंट फिगर, उसमें ये सर्टेन रहेगा और ये क्या रहेगा, अनसर्टेन। तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है एक ऐसी वैल्यू जिसमें लास्ट डिजिट जो रहेगी वो अनसर्टेन रहेगी, बाकी पूरी वैल्यूज जो रहेगी वो सर्टेन रहती है, तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। क्वेश्चंस स्कूल में पूछे जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर से, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्कूल में, बहुत बार पूछा जाता है, मतलब हर साल सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चंस पूछते हैं। स्कूल के लिए भी काम कर, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है। अच्छा एक बात और याद रखेंगे, जो चीजें स्कूल एग्जाम के लिए काम की हैं वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काम की होती ही हैं। ठीक, स्कूल एग्जाम के लिए काम की वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काम की होंगी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो स्कूल एग्जाम के लिए काम की नहीं होती पर कॉम्पिटेटिव के लिए होती हैं, तो उनको मैं संडे संडे को बता रहा हूं। अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर के लिए रूल्स क्या है। पहला रूल ये है कि जो भी नॉन जीरो डिजिट होता है उसको सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर का कोई ऐसा कोई सिंबल नहीं है, समझने के लिए मैं इसको SF लिख दे रहा हूं। ठीक है, लिखना नहीं है कहीं पर भी, मैं आपको पूरा ना लिखना पड़े करके SF लिख दे रहा हूं। ठीक, ये SF हो गया और ये हो गया अपना कोई वैल्यू, कोई न्यूमरल है। ठीक है, अब इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर पूछ रहे हैं, तो कोई भी नॉन जीरो डिजिट जितनी भी होती हैं, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सिग्निफिकेंट होती है। जैसे ये इसमें कितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं, 4 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। तो ये इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया, 4 हो गया पहला। दूसरा बात, अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में कोई जीरो आ जाए, नॉन जीरो डिजिट के बीच में कोई जीरो आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होता है। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर फिर कितने हो गए, 4 हो गए। तीसरी बात, कोई भी जो डिजिट होता है उसके शुरू में जो जीरो लगा रहता है, चाहे वो डेसिमल के पहले हो या बाद में हो, वो सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता। जैसे ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, केवल 2 है। जीरोस कितने हैं, 4 है, पर ये जीरो कोई भी ऐसा जीरो जो फर्स्ट नॉन डिजिट जीरो के फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी जीरो रहते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो केवल कितने सिग्निफिकेंट हुए, 2। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जीरो की जो पोजीशन है उसको आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो ना, (10^-3), तो इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हुए। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं ना, साइंटिफिक नोटेशन जिसको बोलते हैं, उसमें 10^ में जितना भी है या 10, ये जो रहता है सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता, केवल ये जो न्यूमरल होता है वही बस सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है। ठीक, चौथी बात ये होती है कि अगर कोई जीरो राइट साइड लिखा है तो वो सिग्निफिकेंट होता है। जैसे नॉन जीरो डिजिट ये हो गया, इसमें राइट साइड जो लिखा है तो सिग्निफिकेंट होगा। लेफ्ट साइड जो लिखे रहेगा, स्टार्टिंग में जो लिखे रहेगा वो सिग्निफिकेंट नहीं है। किसी भी नॉन जीरो किसी भी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले जो जीरो रहेगा वो सिग्निफिकेंट नहीं रहता, नॉन जीरो डिजिट के बाद में जो जीरो रहता है वो सिग्निफिकेंट रहता है, बशर्ते डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। डेसिमल पॉइंट होना चाहिए का क्या मतलब है, ये समझ लीजिए। जैसे इसमें भी राइट साइड में नॉन जीरो डिजिट के राइट में जीरो है, इसमें भी राइट में जीरो है,
पर इसमें डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है तो डेसिमल के बाद के पूरे जीरो जो रहेंगे, डेसिमल के बाद के नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने भी जीरो लगेंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 3। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 है क्योंकि इसमें कोई डेसिमल नहीं लगा। डेसिमल ना लगने के कारण ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं हुआ। लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे लिख देता हूं, इसी चीज को देखिएगा थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए की बात है, एक नई वैल्यू लेता हूं मैं 0.020, ठीक है। तो अब देखिए इसको ऐसा ले लेता हूं और ले लेता हूं। अब यहां पर डेसिमल के बाद लगना चाहिए, पहली बात जीरो क्या है, डेसिमल के बाद लगना चाहिए और नॉन जीरो डिजिट के बाद लगना चाहिए। यहां जो जीरो है वो डेसिमल के बाद लगा है पर नॉन जीरो डिजिट के पहले लगा है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है ये, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। समझ रहे हैं बात? यहां जीरो क्यों सिग्निफिकेंट नहीं है? डेसिमल के बाद तो लगा है पर नॉन जीरो डिजिट के पहले लिखा है इसलिए सिग्निफिकेंट नहीं है, और यहां नॉन जीरो डिजिट के बाद लगा है। तो किसी भी लास्ट में जो जीरो लिखा हुआ है उसका सिग्निफिकेंट होने के लिए 2 कंडीशन है। पहला, डेसिमल को होना जरूरी है, और दूसरा किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। या डेसिमल के बाद लगा है और नॉन जीरो डिजिट के बाद, यहां पर दोनों चीज देखने में मिल रहा है, 2 टाइप का जीरो है। एक जीरो ये और ये ऐसे जीरो है जो दोनों डेसिमल के बाद है, लेकिन अंतर ये कि नॉन जीरो डिजिट के पहले इसलिए इसको सिग्निफिकेंट नहीं बोलेंगे, नॉन जीरो डिजिट के बाद तो इसको सिग्निफिकेंट बोलेंगे। फिर क्या होता है, जैसे कुछ वैल्यूज लिखी रहती किसी चीज को हम काउंट किए 2 और 20, तो इसमें कितने भी सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं वो इस बात पे डिपेंड करता है। मेरे सभी पूछेगा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 1, इसमें भी बोलूंगा 1 क्योंकि 0 से कोई मतलब नहीं क्योंकि अभी डेसिमल नहीं लगा है। लेकिन अगर इसमें डेसिमल लगा दूंगा तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर बोलूंगा। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद 0 है और नॉन जीरो डिजिट के बाद। अच्छा, यहां एक और बात समझ लीजिए, अगर कोई 0 डेसिमल के बाद लगा हो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है, पर उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि डेसिमल के बाद ही कोई नॉन जीरो। जैसे यहां पर क्या है, डेसिमल के बाद लगा है और जो नॉन जीरो डिजिट है वो भी डेसिमल के बाद, तभी ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा, ऐसा नहीं। जैसे यहां पर क्या हो गया, ये डेसिमल के बाद लगा है जीरो है, पर डेसिमल के बाद कुछ नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो भी आप इस जीरो को क्या बोल रहे हैं, सिग्निफिकेंट बोल रहे हैं। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जीरो के सिग्निफिकेंट होने के लिए क्या जरूरी है, कि वो डेसिमल के बाद होना चाहिए, नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, डेसिमल के बाद होना चाहिए और किसी भी नॉन जीरो डिजिट के। अब तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जिस नॉन जीरो डिजिट के साइड में, राइट साइड में जीरो लगा हुआ है, वो नॉन जीरो डिजिट डेसिमल के बाद ही हो, या जरूरी नहीं है डेसिमल के पहले हो या बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो ये कुछ रूल हैं सिग्निफिकेंट फिगर के, मैं पहले आपको बता देता हूं। पहली बात क्या बोले, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं सिग्निफिकेंट होते हैं। एक बार 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर कोई जीरो आ जाए वो भी सिग्निफिकेंट होता है। 0 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है जो, तो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो रहेगा वो भी सिग्निफिकेंट होता है। फिर किसी भी डिजिट के शुरुआत में जो जीरोज होते हैं, चाहे वो डेसिमल के पहले हो या डेसिमल के बाद हो, लेफ्ट साइड में जो जीरोज आएंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। कब तक? जो डेसिमल के बाद या पहले कहीं पर भी किसी भी नॉन किसी भी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले, किसी वैल्यू के फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी जीरोज होते हैं, चाहे वो डेसिमल के बाद हो या डेसिमल के पहले हो, वो जो रहते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। जैसे इसमें ये भी, ये डेसिमल के बाद का है, डेसिमल के पहले, लेकिन इनमें से कोई भी जीरो सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले है और नॉन जीरो डिजिट के बाद में जो जीरो रहता है वो सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट है, ये भी नॉन जीरो डिजिट के, पर इसमें क्या है, डेसिमल नहीं है, ठीक। तो पहली बात क्या हो गई कि कोई भी जीरो, कोई भी जो जीरो जो फर्स्ट नॉन डिजिट जीरो, कोई भी जीरो जो फर्स्ट नॉन डिजिट नॉन जीरो डिजिट के पहले है, फिर से बोल रहा हूं, कोई भी जीरो जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, चाहे वो डेसिमल के पहले हो या डेसिमल के बाद हो, डेसिमल के पहले हो या डेसिमल के बाद हो। किसी जीरो को सिग्निफिकेंट होने के लिए क्या जरूरी है,
पहली बात ये कि वो जो जीरो है वो डेसिमल के बाद होना चाहिए और नॉन जीरो डिजिट के राइट में होना चाहिए। नॉन जीरो डिजिट के राइट में होना चाहिए और डेसिमल के बाद में होना चाहिए। ये दोनों केस में नॉन जीरो डिजिट के बाद में है, पर ये जीरो सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है? क्योंकि डेसिमल नहीं है और यहां डेसिमल है इसको काउंट किया। अब इसी को समझाने के लिए एक एग्जांपल और क्या लिया। अब देखिए डेसिमल के बाद यहां भी जीरो है, यहां भी जीरो है, पर ये जीरो नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में है, तो लेफ्ट वाले को आप सिग्निफिकेंट नहीं बोलते, राइट वाले को बस सिग्निफिकेंट बोलते हैं। फिर क्या बात बताई गई कि जो कोई नॉर्मल वैल्यूज रहती हैं उसमें डेसिमल लगा के आप जीरो बढ़ाते जाएंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ते जाएगा। जैसे पूछने के लिए ये क्या है तो टू बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, ये भी टू है, ये भी टू है कायदे से, पर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर टू है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर थ्री। इसका मतलब ये है कि इससे हमको ये पता चलता है कि जो डिवाइस आप मेजरमेंट के लिए ले रहे हैं उसमें डेसिमल के बाद वन डिजिट तक एक्यूरेट वैल्यू देगा, ये जो रहता है टू डिजिट तक एक्यूरेट वैल्यू देगा, मतलब उसमें से एक अनसर्टेन रहेगा, जैसे इसमें एक अनसर्टेन रहेगा। जैसे एक चीज आपको बताता हूँ, जब हम ज्वेलरी शॉप में जाते हैं तो वहां जब अंगूठी या कोई भी चीज को हम लोग तोलते हैं तो उसमें डेसिमल के बाद टू जीरो तक डिजिट दिखाता है, टू जीरो तक। सामान लेने के लिए जाते हैं, तोलने के लिए जाते हैं तो वहां डेसिमल के बाद थ्री डिजिट तक दिखाता है, वैल्यूज दिखाता है डेसिमल के बाद। तो वो हमको ये बताता है कि वो जो मशीन हम जिससे मेजर कर रहे हैं और उसमें डेसिमल के बाद जीरो जीरो दिखा रहा है। हम एक किलो लेते हैं तो भी क्या लिखा, तो वन बस नहीं लिखा था उसमें, 1.000 थ्री टाइम्स लिखा था जीरो, तो वैसे लिखने का मतलब है कि हम जो वेइंग मशीन यूज कर रहे हैं उसमें डेसिमल के बाद थ्री डिजिट तक एग्जैक्ट वैल्यू आती है, उसमें लास्ट वैल्यू अनसर्टेन होती है। वैसे ज्वेलरी शॉप में हम जा रहे हैं तो ऐसा दिखा रहा है, इसमें बताता है कि डेसिमल के बाद टू डिजिट तक वैल्यू सही रहती है, उसमें ये लास्ट वाला क्या रहता है, अनसर्टेन रहता है, अनसर्टेन रहता है। तो डेसिमल के बाद के जीरो को कोई नॉन जीरो डिजिट में, कोई नॉन जीरो डिजिट के बाद जो जीरो लिखा जाता है और वो ऐसा जीरो जो डेसिमल के बाद लिखा गया है वो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये जीरो हमको ये बताता है कि जो डिवाइस या मेथड आप यूज कर रहे हैं वो डेसिमल के कितने प्लेस वैल्यू तक सही वैल्यू दे रहा है। ठीक, तो सिग्निफिकेंट फिगर के लिए ये रूल्स हैं। पहला मैं आपको बता दिया, कोई भी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होता है, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच का जीरो सिग्निफिकेंट होगा, किसी भी नॉन जीरो डिजिट के पहले जो जीरो रहता है सिग्निफिकेंट नहीं है, फर्स्ट किसी भी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले जो जीरो रहता है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, नॉन जीरो डिजिट के बाद जो जीरो रखा है वो सिग्निफिकेंट होता है, बशर्ते डेसिमल होना चाहिए, एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बता दिया। दूसरी बात आपको बताया कि अगर कोई नॉर्मल वैल्यू लिखी है, अगर मैं यहाँ टू लिख दिया हूं तो टू में ऐसे अकेले पूछेंगे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है तो मैं टू बोलूंगा, पर अगर मैं ऐसे लिख दूंगा जैसे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है टू है, सॉरी वन सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें बोलूंगा तो टू सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें बोलूंगा तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक, ये सिग्निफिकेंट फिगर के लिए नॉर्मल रूल मैं आपको बताया। उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब करते हैं, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं, पर ये इंपॉर्टेंट है, स्कूल में पूछा जाता है, ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है, स्कूल एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में आपके सिग्निफिकेंट फिगर के लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन लेकर आता है।